हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं अतीक। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कामरान अली टीवी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आज दोबारा हाजिर हुए हम। तो गाइस, हमें ट्रेन के हवाले से कोई भी वीडियो पे रिएक्शन किए हुए काफी दिन गुजर गए थे। एक वीडियो नजर से गुजरी, बहुत अच्छी वीडियो थी। और बट ये कि सबसे पहले तो ये कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें परमिशन दी, लेकिन हमारे लिए एक थोड़ी सी अफसोसनाक चीज ये है कि इन्होंने हमें एक ही वीडियो की परमिशन दी। मैंने उम्मीद करते हैं कि आगे देंगे भाई साहब। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि भाई साहब अगर देख रहे हैं, रेलगढ़ वाले भाई साहब, तो हमें यार 2-3 और वीडियोस की परमिशन भी दे दें। चैनल का नाम है रेलगढ़ और वीडियो का नाम है गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, गोरखपुर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। ठीक है जी, रेलगढ़ चैनल से वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, उनको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, चलें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों, यूं तो लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की परियोजनाएं कई सारे शहरों में रखी गई है, लेकिन अभी जो रिसेंटली गोरखपुर लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की गई थी, इस प्रोजेक्ट के काम को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई जा रही है और आने वाले भविष्य में हमें ये देखने को मिल सकता है कि गोरखपुर की ये लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम भारत का पहला लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से इस काम को लेकर के तेज़ी दिखाई जा रही है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, पहले के जितने भी प्रस्तावित लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है और दोस्तों इसके लिए DPR रिपोर्ट्स वगैरह की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर जो है DPR कुछ सबमिट किए गए हैं तो इसकी और भी ज़्यादा डिटेल्स निकल के आ गई है। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से प्रस्तावित स्टेशन शामिल होंगे उनकी पूरी डिटेल्स ना निकल के सामने आ चुकी है। दोस्तों जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में सारी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों वैसे तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, लेकिन दोस्तों अगर थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसको ऑपरेट करने वाला होगा गोरखपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इसका जो ऑपरेटर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहाँ पर दोस्तों टोटल 2 कॉरिडोर्स बनने हैं जिसमें जो है करीबन 4672 करोड़ की लागत आने वाली है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट की एंड डेट एकदम डिक्लेयर हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2024 तक बनकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल के आई है, यहाँ पर ये निकल के आई कौन कौन से स्टेशन को शामिल किया गया है, तो आइए ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर पहले कॉरिडोर की बात करूँ तो ये बनेगा श्याम नगर से शोभा बाजार तक के बीच में। ये करीबन 17 किलोमीटर का रूट लेंथ होगा। यहाँ पर करीबन 16 स्टेशन को जो है वो शामिल किया जाएगा। नाम स्टेशन के आपको डिस्प्ले होते हुए दिख रहेंगे हिंदी और इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सारे नाम मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी सारी चीज़ें पढ़ सकते। बात करें दोस्तों दूसरे कॉरिडोर को लेकर के, तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा कॉरिडोर गुलरिया से कचहरी चौराहे तक बनाया जाएगा। ये रूट लेंथ करीबन 11 किलोमीटर का होने वाला है और इसमें करीबन 11 स्टेशंस को जो है वो शामिल किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें स्टेशंस के नाम को लेकर के, तो डिस्प्ले होते हुए आपको दिख रहे होंगे सारे नाम हिंदी और इंग्लिश में भी। इन सारे नाम को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये सारे नाम पढ़ सकते हैं।
दोस्तों ये एक और बड़ा अपडेट था, लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट गोरखपुर में चलने वाली है इसको लेकर के, और आने वाले समय में इससे और भी रिलेटेड नए नए अपडेट्स निकल के आएंगे। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और यहाँ पर जो है कुछ DPR सबमिट किए गए हैं, तो आने वाले समय में और भी जानकारियाँ मिलेंगी तो आपको और भी ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। शॉर्ट वीडियो थी लेकिन काफी डिटेल में थी। गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर रेलगढ़ जिन्होंने हमें परमिशन दी, और उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ वीडियोस की परमिशन और दे दें। तो कामरान भाई क्या कहते हैं? हाँ ये सही था यार, इससे ये फायदा होता है कि यार देखो जितनी भी गाड़ी यानी कि उसके साथ ये परेशानी होती है यार, गाड़ी आ रही है ट्राई में रोकनी पड़ेगी, इस तरह ये ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे गाड़ियाँ भी साथ चल रही होती हैं। ये यूरोप का कल्चर है, वही मेट्रो लाइट है जिसको पुराने जमाने में ट्राम बोलते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यूरोप में अभी मैं कल ही रिसेंटली कल परसों एक था तुर्की में, एक यानी कि वो है लड़का है यानी कि जब वो वीडियोस वगैरह बनाता है, वो यार बिल्कुल ऐसे एक रेस्टोरेंट था उसके साथ अंदर बैठा हुआ था, और रेस्टोरेंट के बिल्कुल दीवार के साथ एक चीज आ रही थी, तो मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था मैं, अरे कैसे है वहां पे, कैसी मैनेजमेंट है, कैसा सीन है कि एक इंच भी आगे पीछे नहीं है, ऐसा जबरदस्त नजारा जो था ना वो बड़ा खूबसूरत। मतलब आम जो मेट्रो होती हैं या आम जो सर्कुलर रेलवे होती हैं शहरों में उनसे काफी सस्ती होती है, सस्ती डिफरेंट भी होती है मेरे ख्याल से। मतलब इसकी जो पटरियां होती हैं ऐसे रोड के बीच में ही होती हैं, उन्हीं पे गाड़ियां भी चल रही होती हैं, तो बड़ी अच्छी चीज है। पर थोड़ा सा अफसोस के साथ ये कि कराची में पहले सर्कुलर रेलवे भी थी, ट्राम भी थी, ट्राम तो खैर कब की बंद हो गई, सर्कुलर रेलवे अभी कुछ साल पहले बंद हुई है, बंद है अभी ये 19 तारीख को दोबारा जो है KCR शुरू हो रही है, 19 तारीख को उसके जो ऑगमेंट यानी कि जो है इंस्टॉलेशन है इफ्तिदा होने वाला है, तो देखते हैं कोशिश करेंगे कि अगर कोई टाइम मिलेगा तो मैं और कामरान उसमें वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो सीधी और सच्ची बात है, एक ऑनेस्ट रिएक्शन वाली बात है कि वो इंडिया की मेट्रो के मुकाबले नहीं होगी, हो नहीं सकती, क्योंकि ये सर्कुलर रेलवे है, मेट्रो भी नहीं है। और अफसोसनाक बात एक और भी है कि कराची और सिंध के लिए जो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होते हैं वो या तो इनिशिएट ही नहीं होते, या इनिशिएट होते हैं तो बस फिर चल सो चल आगे चलते रहते हैं, डायरी आया बंद कर ना रख देते हैं इसी जगह पे जहां से निकालने की जरूरत ना पड़े, फाइल ऐसी जगह रखते हैं, मसला ये सारा दिमाग खा जाती है फाइल। बहरहाल मेट्रो कराची मेट्रो जो है वो कंस्ट्रक्शन में है, मेट्रो बस सर्विस, बट ये कि अलग कब होगी ये नहीं आइडिया, आधे से ज्यादा ट्रैक बन चुका है लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अगर ये चीज वहां बन जाएगी इंडिया में तो मैं समझता हूँ वहां के लोग के लिए बहुत सहूलत होगी। हमने इससे पहले एक रिएक्शन किया था, आप बात करें भूल जाएंगे आप, हाँ वो भी था, भूल नहीं जाऊंगा मैं, ये कहता है इस पे फायदा उनके लिए, और जो लुक वो प्रेजेंट करेगा ना उस शहर का वो बड़ा कमाल का होगा, बहुत ही खूबसूरत चीज लगती है जब देखते हैं बड़ा गाड़ी भी आ रही हो पीछे उसके, ट्रेन आ रही हो या उससे गाड़ी आ रही हो पीछे, अच्छा बहुत खूबसूरत जगह चीज ये चलती स्लो स्लो है, स्लो चलती और फौरन इसके ब्रेक भी लगा था, मैंने यूरोप की वीडियोज वगैरह देखी है उसमें मैंने देखी है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज है बस। तो गाइस इस रिएक्शन को रखेंगे यहाँ तक, और कामरान ने एक अच्छा आइडिया दे दिया है KCR, ये वीडियो देखते देखते ही हमें याद आया KCR की जैसे इनॉग्रेशन होगी तो सेम डे या एक दो दिन बाद में हम एक छोटा सा वीडियो शूट करेंगे, तो उसमें ट्रैवल भी करेंगे साथ में आपको भी करवाएंगे, तो ठीक है उम्मीद करते हैं कि आपको भी तो जल्दी जल्दी जो चीजें बन रही है वो बन जाए, हमारे लिए भी आसानियां पैदा हो, अच्छा ही हो जाए कराची वालों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ आपसे मिलते हैं, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि भाई अभी तक अगर देख रहे हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में मौजूद बेल के घंटी के बटन को भी दबा दो, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। नहीं जा रही है, इधर ही बाय बाय।